भाई फैमिली के साथ यहाँ पे रहने वाला हिसाब किताब बड़ा महंगा रहने वाला है, मतलब इतना आसान नहीं है। तो आपका खर्चा खर्चा है, उसमें ऊपर आप देख लो कि आप बचाओगे कितना। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ट्रैवल योगा एंड आई एम योर होस्ट मनदीप सिंह। तो आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि सिंगापुर में कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग है एक फैमिली के लिए, अगर आपके बच्चे हैं और अगर आप विद फैमिली अगर मूव होने का सिंगापुर में सोच रहे हो तो आपको कितना खर्चा पड़ेगा, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है स्पेशली इंडियंस के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो दोस्तों, मैं सिंगापुर में रह रहा हूँ करीबन 4 साल से, और 4 साल में मतलब बहुत कुछ बदल गया है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रेंटल्स। तो रेंटल पहले बहुत कम होते थे, अभी रेंटल कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हाउसिंग की। तो अगर आप आ रहे हैं और आप अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि घर अभी इतने महंगे हो गए हैं। करीबन जो घर पहले $2,000 के आसपास मिलता था, वो घर अभी मिलता है 3,500 के आसपास। तो अगर आप सेंट्रल की बात नहीं करूँगा, थोड़े से साइड वाले इलाके में सिंगापुर में अगर आपको 2 BHK घर चाहिए जिसमें 2 कमरा, 1 हॉल, लेटरिंग बाथरूम और किचन, तो वो घर आपको कम से कम अभी इस टाइम जो रेट चल रहा है हाउसिंग का, वो $3,500 का आपको कम से कम घर मिलेगा। और ये जो $3,500 का जो घर है, इसमें आपको बड़ा मुश्किल होगा कि आपको 1 साल की लीज़ मिल जाएगी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी रेंट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो जितने भी ओनर्स हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लें, और 2 साल की लीज़ के लिए अभी जितने भी हैं सारे घर 2 साल की लीज़ के लिए मिल रहे हैं। तो $3,500 आपका, जब आप घर को आप लेने चाहोगे तो आपको $3,500 आपको 1 महीने का रेंट एडवांस में देना पड़ेगा, प्लस 2 साल की लीज़ है तो 2 महीने का आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो कि होता है आपका 3,500 गुणा में 2, तो $7,000 आपका ये हो गया, प्लस 3,500, तो 10,500 के आसपास आपका वन टाइम फीस जाएगी। आपको देना पड़ेगा पैसा आपको घर एक्वायर करने के लिए 2 साल की लीज़ पे, और वो जो आपका $7,000 है ऑफकोर्स वो आपको 2 साल की लीज़ ख़त्म होने के बाद में ही मिलेगा। $10,500 का मतलब है कि करीबन करीबन आपको 6.25 लाख रुपए आपको अपफ्रंट आपको देने पड़ेंगे घर को एक्वायर करने के लिए इस समय सिंगापुर में। तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय घर की है, घर बहुत महंगे हैं, आने से पहले आप देख लें, आप सोच लें। तो भाई घर का हो गया 10,500, उसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशन की, बच्चों का एजुकेशन की बात कर लेते हैं। अगर आपके बच्चे नर्सरी LKG और UKG में जा रहे हैं, नर्सरी LKG UKG में जा रहे हैं, तो पर बच्चा आपको $500 महीने का खर्चा आप कम से कम लगा के चलो, और जब भी आप अपने छोटे मोटे 4 घंटे वाले प्राइमरी स्कूल में भेजोगे तब के। उसके बाद अगर आपके बच्चे फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक में अगर जाते हैं तो वो कंसीडर होता है आपका प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में भेजने का खर्चा आप पहली बात तो आप अप्लाई कर सकते हो कि आपके बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, मतलब क्योंकि फॉरेनर्स के लिए यार जल्दी से पब्लिक स्कूल में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, PR और सिटीजन को ही प्रायोरिटी मिलती है। तो अगर वो आपको नहीं मिला उस केस में आपको अपने बच्चे को भेजना पड़ेगा इंटरनेशनल स्कूल में, और इंटरनेशनल स्कूल में पर बच्चा हर महीने का खर्चा $1,500 लगा के चलो, तो हर बच्चे का $1,500 का खर्चा है इंटरनेशनल स्कूल में, $3,500 खर्चा है आपके घर का। तो आपका एक बच्चा और आपका $1,500 का उसका स्कूल का फीस, प्लस आपका घर का हो गया टोटल $5,000। उसके बाद अब बात करते हैं खाने पीने की। तो खाने पीने की अगर बात करते हैं तो भाई अगर आप बहुत अच्छा खुल के खाना पीने का अगर शौकीन हो, 3-4 बंदे फैमिली में हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा $1,000 का आप खा सकते हो, $1,000 आपका खर्च हो जाएगा खाने पीने में, तो ये पड़ेगा टोटल अभी तक आपका हो गया $6,000। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके PUB की, मीन्स आपका बिजली पानी का खर्चा कितना आएगा। तो ऑन एन एवरेज मतलब अगर आप रात रात में एयर कंडीशन यूज़ करते हो, AC यूज़ करते हो, तो करीबन आपका पानी का और बिजली का खर्चा करीबन आपका $200 से $225 तक का आ सकता है, 2 कमरे का $200 आप लगा के चल सकते हो, तो $200 हो गया आपका बिजली और पानी। सिलेंडर, गैस के सिलेंडर की बात कर लेते हैं, गैस के सिलेंडर का रेट अभी जो चल रहा है वो चल रहा है $33 to $35, 12 किलो का LPG का सिलेंडर आता है। कुछ घरों में PNG सप्लाई भी है, तो पाइपलाइन सप्लाई है, उसमें हो सकता है थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ जाए, $30 पड़ जाए, $25 पड़ जाए, इतना ही फ़र्क आएगा।
मोबाइल फ़ोन के एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। मोबाइल फ़ोन $20 पर पर्सन होगा, तो अगर आप तीन बंदे हैं घर में तो करीबन $60 आपका मोबाइल का खर्चा महीने का हो जाएगा। बाल वाल कटवाने हैं तो भाई बाल वाल कटवाने का खर्चा है $10 पर पर्सन है, तो भैया तीन से चार बंदे हैं तो $30 महीने का बाल वाल कटवाने का खर्चा समझ लो। अगर आप लेडीज़ और आपको हेयर रिबॉन्डिंग वगैरह करवानी है वो बहुत महंगा है, यहाँ पे हेयर रिबॉन्डिंग का करीबन $200 से $250 हेयर रिबॉन्डिंग का खर्चा आता है। तो गाइज़ अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, बिकॉज़ आप अपने घर से डेली ऑफिस जाओगे तो डेली महीने का अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्ट का, अगर आप ऑफिस जाते हो घर से और आते हो वहाँ से, तो आपको करीबन पड़ेगा $200 से $250 आपका महीने का ट्रांसपोर्ट पड़ जाएगा। उसके बाद इंटरनेट की बात करते हैं, तो इंटरनेट का जो महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान आपका जो होता है पोस्टपेड होता है यहाँ पे, तो आपको जब आप इंटरनेट के लिए साइन अप करते हो तो उसमें बेसिकली आपको कॉन्ट्रैक्ट भरना होता है 2 साल का या 1 साल का, जैसा भी आप चाहते हो। उससे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप उस इंटरनेट के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हो तो आपको जितना भी 2 साल का पेंडिंग आपका जो बिल है वो आपको पे करना पड़ता है। इंटरनेट की बात कर लेते हैं, इंटरनेट बेसिकली पड़ता है करीबन $40 के आसपास ऑन एन एवरेज है, तो $40 में आपको 1 Gbps का कनेक्शन मिल जाता है। उसके बाद आप जोड़ रहे होंगे कि अभी कितना खर्चा हो गया, उसके बाद ऊपर से हम अगर करते हैं तो हम करीबन $200 आप मिसलेनियस और लगा लो, क्यों, बिकॉज़ आप रेस्टोरेंट में जाओगे यार, महीने में 1 या 2 बार रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जाओगे, रेस्टोरेंट में थोड़ा महंगा पड़ता है, करीबन $30 पर पैक्स पड़ जाता है। फूड कोर्ट्स में आप खाना खाते हो तो करीबन $5 से $6 की आपको मील मिल जाती है। और अगर आप लंच में, अगर आप लंच बॉक्स आप घर से नहीं कैरी करना चाहते हो, अगर आप बाहर खाना खाते हो, तो जैसे मैंने आपको बताया $5 से $6 आपकी मील पड़ेगी एक टाइम की। तो अगर आप दिन में 2 बार भी खाना खाते हो बाहर, तो करीबन $10 से $12 आपका बाहर खाने का खर्चा आ जाता है। बेटर ये रहेगा कि आप घर से अपना लंच बॉक्स कैरी करके ले जाएं। हाँ, हफ्ते में 1-2 बार बाहर खा लें यार। तो भाई मोटा मोटा हो गया $6,500 का आपका फैमिली का खर्चा हो गया सिंगापुर में रखने का, जबकि उसमें भी अगर आपके पास एक बच्चा है और एक बच्चा आपका पढ़ रहा है फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक, मैं उसमें मैंने $1,500 आप उस बच्चे की फ़ीस बताई है, तो 6,500 का आपका टोटल, मतलब ऑन एन एवरेज आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगी, तो 6,500 का करीबन 3,90,000 का आपका महीने का खर्चा है, रहने का, खाने का, बच्चे पढ़ाने का, बाल वाल कटवाने का, घूमने फिरने का, छोटी मोटी पार्टी करने का। तो ये हो गया ऑन एन एवरेज 4 लाख तो आपका खर्चा है, उसमें ऊपर आप देख लो कि आप बचाओगे कितना। भाई फैमिली के साथ यहाँ पे रहने वाला हिसाब किताब बड़ा महंगा रहने वाला है, मतलब इतना आसान नहीं है, इसीलिए इसको ऐसे नहीं बोलते, इसीलिए इसको बोलते हैं कि वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इस समय भाई बहुत बुरा हाल है, आने से पहले 10 बार सोचें, कंपेयर करें कि आप अगर विद फैमिली आ रहे हो तो अभी आप इंडिया में कितना कमा रहे हो और यहाँ पे आप कितना कमाओगे, उसके हिसाब से कितनी सेविंग होने वाली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आप आते हो तो आपको सोशल लाइफ आपको ढूंढनी पड़ेगी, बिकॉज़ इंडिया में तो दोस्त या रिलेटिव्स हैं तो एक अच्छी लाइफ रहती है, और आजकल इंडिया में भी काफ़ी पैसा मिलने लगा है, लेकिन यहाँ पे आप आओगे तो अगर आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड्स वगैरह या आपका कुछ सर्कल नहीं बना तो थोड़ा आइसोलेशन का हिसाब किताब आपको फ़ील होगा। शुरू के हो सकता है कि 2-3 साल आपको बहुत अच्छा लगे, क्योंकि छोटा सा कंट्री है तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन 3 से 4 साल के बाद आपको यहाँ पे थोड़ी मतलब बोरियत फील होने लगेगी। तो हिसाब किताब आप अपना बिठा के आएँ, अपनी सारी कैलकुलेशन करके आएँ। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं किसी भी चीज़ के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ आपके जवाबों का जवाब दे, आपके सवालों का जवाब देने की। तो भाई मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका सैलरी $7,000-8,000 है महीने की, तो बेशक आप यहाँ मत आओ, क्योंकि यहाँ पे आपकी कुछ सेविंग नहीं होने वाली है। आप तभी कंसीडर कर सकते हो जब आपकी सैलरी करीबन 10,000 के प्लस में हो, आपका अगर एक बच्चा है और आप बच्चा अगर इंटरनेशनल स्कूल में जाएगा तो खर्चा बहुत बढ़ने वाला है। $10,000-11,000 आपकी सैलरी है महीने की, तो आप कंसीडर करें फैमिली को यहाँ पे लाने की। इस समय बहुत बुरा हाल है स्पेशली हाउसिंग का, हो सकता है कि 2 साल बाद घर वापस से $2,000 या $2,200 में मिलने लगे, लेकिन अभी पूरी यूनिट 3,500 से कम की नहीं मिल रही, वो भी साइड वाले इलाके में। अगर मैं सेंट्रल की बात करूँ त्योंग बहारू या ऑर्चर्ड वाले इलाके की, वहाँ तो और बुरा हाल है, वहाँ तो भाई $5,000-6,000 से कम की यूनिट नहीं है। तो भाई मेरे पीछे अगर आप बिल्डिंग देख रहे होंगे, इस बिल्डिंग में भी अगर आप 2 BHK या 3 BHK घर लेंगे तो कम से कम वो $4,500-5,000 का आपको पड़ने वाला है। तो इस और जबकि मैं रहता हूँ बुकित गोम्बा के इलाके में, जो कि
सेंट्रल इलाके से काफ़ी दूर है। यहाँ पे सस्ते रेंटल्स के लिए ये इलाका मशहूर है, मशहूर था पहले, अभी तो भाई बहुत महंगा हो गया है। तो दोस्तों फैमिली के साथ रहने का खर्चा है महीने का 6,500, 4 लाख रुपए आपका महीने का खर्चा आएगा अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास से ऊपर पढ़ता है और इंटरनेशनल स्कूल में जाता है। ये हो गया सारा मोटा मोटा। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा सबके जवाब देने की। तो मेरे भाई आज के व्लॉग में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से कर लेना, बस इन्फॉर्मेटिव आपको ज्ञान मिलते रहना चाहिए। तो चलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।